हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, जब हम बात करेंगे कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, यहाँ पे हम कंपनी का शेयर एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट बताऊंगी ना, आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें रिस्क करेंगे, लाइक कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1910 में ये कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो जो कैस्ट्रोल इंडिया कंपनी बेसिकली इंगेज है इन अ बिजनेसेस ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लाइक ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोला लाइक जो भी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात की जाए तो कंपनी की जो है लाइक मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, लाइक वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स, लुब्रिकेंट एंड अदर्स फ्लूइड फॉर कार्स, जैसे कि कार्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए एंड अदर कमर्शियल व्हीकल्स होंगे। सो उनके लिए लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम करते जो भी ऑयल जो होते हैं कैस्ट्रोल का, इसके लिए। सो ये था कंपनी के प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटल हमें दिया हुआ है 10,337 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक पी देकर दिया 13.9, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देकर दिया 67.5%, कंपनी का डेप देखें यहाँ पे 0 करोड़ का है। सो ऑलमोस्ट देखकर कंपनी है डेप फ्री मानी है, कंपनी के पास डेप नहीं है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखा दिया है तो 23.2, तो यहाँ बेसिकली देख के स्टॉक पी ज़्यादा इंडस्ट्री पी ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस देखे तो चल रहा है 104 रुपीज़ चल रहा है अभी। कंपनी का बुक वैल्यू देखे 16.6 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे दिया हुआ है 49.6% दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो कंपनी के पास अभी वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है 1,210 करोड़ का कंपनी वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। कंपनी का हाई देखे तो 150 है, लो देखे तो 99, सो बेसिकली 104 पे चल रहा है। सो ये 110 एंड 115 तक भी जा सकता है। सो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 110 रुपीज़ का रहेगा। ओके, एक कंपनी का डिविडेंड दी कंपनी को 5.77% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू देखे तो 5 रुपीज़ दिया। कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 51.0% का दिया, जो कि लाइक मिनिमम अच्छा खासा दिया हुआ है प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का। यहाँ पे कंपनी के डेटा के बेसिस पे बोलूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सो हमें प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री मानी जाएगी। इन कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कितना आया है 51.82% मस्त आया, मतलब अच्छा खासा आया है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का लाइक यहाँ पे देखिए तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया हुआ रिटेलर्स को भी, इन्वेस्टर्स को कितना 76.95% का इसने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी का लास्ट फाइव ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है कितना कम आया 4.46% कम आया है बेसिकली देखा जाए तो। नेक्स्ट है पीए कंपैरिजन। सो पीए कंपैरिजन के बारे में बात की जाए तो कैस्ट्रोल इंडिया जनरल कंपनी लास्ट वन नंबर पे कंपनी आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज। बट कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट कम है कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर, कितना कम है -6.24% कम आया है। वही बाकी की भी कंपनीज लाइक कंपैरिजन में है जो लाइक आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती हैं। सो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो बाकी कंपनी के लाइक कुछ भी करंट प्राइसेस भी लाइक 2,000-3,000 के अभी या 1,000 के अभी है। बस इसमें देखें तो आरती इंडस्ट्री जो कंपनी लाइक 715 में आपको शेयर मिल जाएगा। कंपनी जगह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.31% का। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो अच्छा खासा दिया हुआ है। सेल्स भी एंड नेट प्रॉफिट भी कंप्यूटर लाइक क्लास वाली अच्छा खासा है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। यहाँ पे जो 8 नंबर पर कंपनी दी कैस्ट्रोल इंडिया, इसमें रिस्क है बट आपको कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न देगी। बट कंपनी के लिए परफॉर्मेंसेज देखिए ईयर ऑन बेसिस तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। लाइक क्वार्टरली वाइज अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट के लाइक 3 ईयर्स में 3 मंथ अगर कंपेयर करें, क्वार्टर ईयर कंपेयर करें, यहाँ पे September 2021 का देखें तो 1,073 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। देन आप यहाँ पे देख सकते लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइक कम आया सर December 2021 में। बेसिकली यहाँ पे देखें March 2022 का जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे हुआ 1,236 करोड़ का कंपनी का क्या आया है यहाँ पे ये रेवेन्यू हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। वही कंपनी के लाइक एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे देख सकते 918 करोड़ का हुआ है एक्सपेंसेस। बाकी की ओपीएम परसेंटेज की बात की कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, कितना 26% हुआ है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे
देखा जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो लास्ट के दो तीन क्वार्टर्स कंपेयर करें यहाँ पे, तो लाइक यहाँ पे कंपनी के जो लाइक नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीजेस में हुआ है। लास्ट क्वार्टर देखें तो 2228 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली देखें तो कंपनी क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है आपको। अब हम ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं। सो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, देखा 4289 करोड़ का कंपनी का क्या हुआ रेवेन्यू हुआ है, सॉरी 4192 करोड़ का कंपनी का क्या हुआ रेवेन्यू हुआ है। देन एक्सपेंसेस देखो 3000 कम गया है, ओपन परसेंटेज 24% कम, थोड़ा सा 1% कम है ओपन परसेंटेज। बट कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट के अगर हम यहाँ पे 3 इयर्स देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट, सो यहाँ पे देखा जाए तो लाइक 5 से 6 करोड़ यहाँ पे कम दिया हुआ है कंपनी का लाइक नेट प्रॉफिट। बट लाइक कंपनी जो है कंपनी ने अच्छा खासा लाइक क्वार्टरली वाइज भी ईयर बेसिस पे भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न कमा रही है। सो लाइक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही कंपनी के लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखे तो 51% दिया हुआ है, एफ आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक देखा तो डिक्रीज हुआ है, कितना हो गया 11.11% हो गया। डी आई शेयर होल्डिंग देखे तो फिर दिया 15.99% दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट के देखे तो भी करंट अभी वैल्यू है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग हो गया 21.90% दिया हुआ है। सो बेसिकली देखे तो यहाँ पे जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है, चेंजेस नहीं हुए। एफ आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक चेंज हुआ है, डी आई शेयर होल्डिंग भी चेंज हुआ है, पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे चेंज हुआ है। सो बेसिकली देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चेंजेस हुए थोड़े बहुत इसमें। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। सो फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, बट कंपेयर लाइक लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। वही कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए सो लाइक कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे हुआ 0.796 करोड़ का, 0.76 करोड़ कंपनी का क्या हुआ है सॉरी 1000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी कर रही है। लाइक 2021 का जो रिजल्ट निकल के आया इसमें अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट हुआ, बट 2022 का जो निकल के आया इसमें दिया नहीं है। बट कंपनी का लाइक कंपेयर टू लाइक लास्ट ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे कम आया है, बट कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। सो देखा जाए तो कंपनी लाइक प्रॉफिट कर रही है, नहीं कंपनी लॉस में, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट रहेगा भी आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात की जाए तो कंपनी का कल का क्लोजिंग प्राइस देखे तो 104 है, कल के दिन से 0.87% कल के दिन से रिटर्न भी दिया था। सो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। आई थिंक सो जितने भी डाउट्स मैं कंपनी के आपको मैंने क्लियर आउट कर दिया है, मैंने आपको टारगेट ही बता दिए हैं। सो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा, एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।